नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मास्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। भोपाल के मिंटो हॉल में हुए शिक्षक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा, महीने में दो दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग से इजाज़त मांगता हूं। सीएम ने कहा, लोगों और समाज को स्कूल से जोड़ना होगा, तभी सरकारी स्कूल और बेहतर करने की स्थिति में होंगे। सभी को आगे आना होगा। हर साल अब अच्छा करने वाले स्कूल टीचर को सम्मानित किया जाएगा। आप उन्हें ज़्यादा कुछ ना दें, लेकिन फूल माला श्रीफल और शॉल भेंट कर हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में शिक्षकों की पूरी टीम ने चमत्कार करके दिखाया है। शिक्षकों ने बच्चों में समझ विकसित करने का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने देवास की शीला मरावी से संवाद करते हुए पूछा, सर्वे के पहले आपकी क्या भूमिका थी? मरावी ने उन्हें बताया, शिक्षकों का चयन किया, प्रश्नों की सॉफ्ट कॉपी बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा, क्वालिटी एजुकेशन देना शासन की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में जिन जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करें। कोरोना के दौरान नवंबर 2021 में स्कूल खोलने के निर्णय की खूब आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया। हमें लगा कि बच्चों को स्कूल नहीं आने देना उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा। हमने सबसे अलग निर्णय किया। इसी दौरान नेशनल सर्वे आया और हमने बेहतर किया। हमारे शिक्षकों से लेकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों और खास तौर पर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में डर के माहौल से आगे निकलकर स्कूल खोले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। दीपावली की छुट्टी के समय भी विभागीय अधिकारियों और शिक्षकों ने अतिरिक्त एवं अधिक परिश्रम किया।